जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई को गृह विभाग की बैठक ली गई है। आप लोग को बता दूं मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार सीएम भूपेश बघेल जो है अन्य विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, क्योंकि सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं और वो कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। आज की जो बैठक हुई है गृह विभाग की, उसमें जो 3 बातें जो निकल के सामने आ रही हैं और जो 3 मुद्दे अहम मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई है। पहला मुद्दा ये था कि बस्तर टाइगर्स और छत्तीसगढ़ जैसाई भर्ती जो कि 3 साल से रुकी हुई है, इसकी ऊपर भी चर्चा की गई है। दूसरा ये भी मुद्दा निकला है कि जो नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं जहाँ पे CRPF के कैंप खोले जा रहे हैं, वहाँ सड़कों की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं अभी हाल ही में जो गरमा गया था उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और जो तीसरा मुद्दा था कि PACL नाम की एक चिटफंड कंपनी थी, उसके डायरेक्टर भाग गए थे सुखदेव सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 50 करोड़ का जो हेरा फेरी का मामला उनके ऊपर चल रहा था, ठगी का मामला। उनके नाम बहुत सारी जमीन वगैरह थी, सबको कुर्क करके जो संपत्ति वापस करने की, जो पैसे जो वापस करने की बात चल रही थी, इस मुद्दे पर भी आज बैठक में बात हुई है। तो आप लोग ये IBC 24/7 जो न्यूज़ चैनल है उसका आप लोग रिपोर्ट देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस मुद्दों पर बात हुई है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल इस वक्त समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सीएम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, आज भी गृह विभाग की वो समीक्षा कर रहे हैं। नक्सली क्षेत्रों को लेकर बैठक में लगातार चर्चा जारी है। बस्तर टाइगर और उप निरीक्षकों की भर्ती पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दूसरे अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त भी समीक्षा बैठक जारी है, अभी जो गृह विभाग की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ चर्चा हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसी क्रम में आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक सीएम हाउस के कार्यालय में वहां पर हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, गृह विभाग के अफसर हैं, पुलिस विभाग के अफसर हैं, DGP यहाँ उसमें बैठक में मौजूद है और उन सबकी उपस्थिति में गृह विभाग की समीक्षा की जा रही है। अगर इस समीक्षा की बैठक के मुख्य एजेंडे की बात करें तो इसमें नक्सली प्रभावित इलाकों में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, सुरक्षा बलों के कैंप खोले जा रहे हैं, तो उसके निर्माण में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो बस्तर टाइगर है और उप निरीक्षकों की भर्ती है उसको लेकर चर्चा हो रही है। चिटफंड कंपनियों के जो डिफरार डायरेक्टर है उसके गिरफ्तारी को लेकर और उस चिटफंड कंपनियों की जो संपत्तियां उसको कुर्क करके उसके पैसे लौटाए जाने हैं, ये एक मामला, उसको लेकर चर्चा हो रही है। राजनीतिक मामला जो वापस लेने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर चर्चा चल रही है। ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, सभी विभाग की बैठक चल रही थी। उसी क्रम में आज गृह विभाग की बैठक चल रही है जिसमें तमाम गृह विभाग के अफसर और DGP मौजूद है। और कल इसी आज की बैठक को लेकर कल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास में भी गृह विभाग के अफसरों से बैठक हुई थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई थी और आज फिर इस एजेंडे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। राजेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी न्यूज देखी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किन किन मुद्दे बात हुई है। छत्तीसगढ़ SI भर्ती है और बस्तर जो टाइगर्स की जो भर्ती लेनी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट में घोषणा कर दी गई थी कि 2800 पदों पे बस्तर टाइगर्स की भर्ती ली जाएगी। दोनों के बारे में बातचीत हुई है और मीटिंग में इसका चर्चा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि कब भर्ती ली जाएगी, कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल जाती है, किसी के द्वारा बयान नहीं आ जाता है या पुलिस की वेबसाइट में कुछ अपडेट नहीं हो सकता, तो हम डेट अभी नहीं बता सकते कब ये भर्ती हो सकती है। सीएम भूपेश ने समीक्षा बैठक की, गृह विभाग की समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। नक्सल क्षेत्रों को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। बस्तर टाइगर और उप निरीक्षकों की भर्ती पर चर्चा की गई है। तो विभागवार समीक्षा का क्रम जारी है। प्रतिदिन 2 अलग अलग मंत्रियों के साथ में विभागों पर, उनके कामकाज पर और आने वाले वक्त की योजनाओं पर चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री। इसी के तहत गृह विभाग की समीक्षा अभी खत्म हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी आप सभी लोग को। आगे की जो अपडेट होगी मैं अपने आगे की वीडियो में दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।